हरिद्वार में नगर निगम की मेयर अनीता शर्मा ने ई रिक्शा को अपना वाहन बना लिया है। मेयर ने ई रिक्शा पर बैठकर नगर निगम क्षेत्र का निरीक्षण किया और बताया कि जब तक जिला प्रशासन कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराता तब तक ई रिक्शा ही एकमात्र विकल्प है। ऐसा है कि मैं परसों मेरी गाड़ी चली गई थी, तो इसलिए गाड़ी की मैंने कहा भी है कि भाई मेरे को गाड़ी क्यों जा रही है, और तो उन्होंने कहा कि तो चुनाव में जाएगी गाड़ी आपकी। मैंने पूछा भी और जगह भी मैंने पूछा, ऋषिकेश देहरादून में भी पूछा कि आपकी गाड़ी गई, तो वो कह रहे नहीं हमारी गाड़ी तो नहीं गई, क्योंकि वो लोग बीजेपी के हैं, हम लोग कांग्रेस के हैं, तो ये भेदभाव हो रहा है। मतलब यही मोदी जी प्रचार करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही नारी का सम्मान होता है, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, जब तुम नारी का सम्मान नहीं कर सकते हो क्यों तो फिर बोलते क्यों हो कि भाई नारी का सम्मान होना चाहिए। तो हमारा तो वाहन यही है, हम निगम भी इसी वाहन से आएंगे, और निगम जहाँ भी काम मतलब जनता की सेवा होगी इसी वाहन से जाएंगे। ये तो देखो ऊपर अधिकारी लोग हैं, किसके कहने से गया है वाहन, कि मतलब ये तो आपसे आरोप लगा रहे हैं। सरकार तो देखो हमारी है नहीं है, पर ये है कि इन्हीं के कहने से ये मतलब वहाँ से वाहन छीना गया, कि मतलब वहाँ पे बीजेपी के लोग हैं, वो बीजेपी की पार्षद मेयर हैं, इसलिए उनसे वाहन नहीं लिया गया, हम कांग्रेस के हैं तो हमारे से लिया गया। तो हम तो जनता के बीच में रहने वाले हैं, जनता की सेवा करते हैं, इसी वाहन से चलेंगे और इसी से आएंगे। मैंने साहब से कहा, मैंने कहा देखो हमारा वाहन देखो आप कितना बढ़िया है, तो वो कहने लगे ये तो आपने गलत कर रखा है। मैंने क्यों कर रखा है, जब तो पहचानेगा कि कोई लोग की मेयर का वाहन आ रहा है तभी तो रुक के भी बात करेगा कोई। तो रिक्शा से आऊंगी, नगर निगम में भी पहुंचूंगी, और जहां क्षेत्र है मेरा सब हरिद्वार ज्वालापुर कनकल सब जगह जाऊंगी इसी वाहन से मैं।